मैं आपको कहकर जाता हूं, एक बार मोदी जी पर भरोसा करिए, एक बार येदुरप्पा जी पर भरोसा करिए, हम कर्नाटक में एक ऐसी सरकार देंगे जो 5 साल में कर्नाटक को भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी और कर्नाटक को पूरे दक्षिण का एक नंबर का राज्य बनाएगी। ऐसी सरकार हम देंगे। मुझे बताओ, कमल के निशान पर वोट करोगे? अरे ऐसे नहीं भाई, हाथ ऊपर उठाकर बताओ, कमल के निशान पर वोट डालेंगे? जोर से बोलिए, डालेंगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे? मित्रों, 2014 और 19 में आपने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 18 के चुनाव में येदुरप्पा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, मगर कुछ सीटें हमें कम दे दी। और उसके बाद ये जेडीएस और कांग्रेस का सत्ता का खेल चालू हुआ, भ्रष्टाचार का केस चालू हुआ। ये कांग्रेस और जेडीएस दोनों परिवारवादी पार्टियां है मित्रों। लोकतंत्र में परिवारवादी पार्टियां कभी जनता का, गरीब का कल्याण नहीं कर सकती। मित्रों, आज मैं आपको बताने आया हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लड़ रही है। आज मैं कर्नाटक की जनता को बताने आया हूं, जेडीएस को दिया हुआ एक एक वोट, जेडीएस को दिया हुआ एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पास जाने वाला है और कांग्रेस पार्टी को दिया हुआ एक एक वोट सिद्धरमैया और उनकी एटीएम सरकार, जो दिल्ली का एटीएम थी, भ्रष्टाचार करती थी, उसको जाने वाला है। मित्रों, आज मैं कहने आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में देश को सुरक्षित करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक और है और दूसरी ओर राहुल बाबा के नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जुड़ी हुई कांग्रेस पार्टी। ये दोनों के बीच में आपको तय करना है। मित्रों, मैं कर्नाटक में आया हूं, मैं आपको कहने वाला आया हूं, पीएफआई पर नरेंद्र मोदी जी ने बैन लगा दिया, पीएफआई को बंद कर दिया। मुझे बताइए मित्रों, पीएफआई पर बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये जब कांग्रेस की सरकार थी तब पीएफआई पर 1700 से ज्यादा केस वापिस लेने का काम किया था। ये नरेंद्र मोदी सरकार, आप मुझे बताओ भाई, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सालों से कांग्रेस पार्टी इसको अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। नरेंद्र मोदी जी को आपने 19 में प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया और भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। मित्रों, देश को सुरक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस सालों से कांग्रेस पार्टी सोनिया और मनमोहन सिंह 10 साल तक रहे, कई सारे हमले हुए, पाकिस्तान के कोई जवाब नहीं दिया जाता। मोदी जी की सरकार बनी, मोदी जी ने उस वक्त भी पाकिस्तान ने हमला किया उरी और पुलवामा पर, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ही देश को सुरक्षित कर सकते हैं, मोदी जी ही देश को समृद्ध कर सकते हैं।
ये कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। एक सीएम पद है, सीएम के लिए डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया दोनों लड़ रहे हैं और दूसरे भी कई प्रत्याशी तैयार हैं। इनकी लड़ाई में कर्नाटक की जनता का कल्याण नहीं होगा, कल्याण कर्नाटक का कल्याण करना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने गरीबों के घर में गैस भेजा, शौचालय भेजा, बिजली भेजी, बैंक अकाउंट भेजा, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा उठाया। और मुझे बताओ, बेल्लारी वालों, हॉस्पिटल वालों, सबने कोरोना का टीका लिया है या नहीं लिया है? कोरोना का वैक्सीनेशन हुआ है वो जरा हाथ ऊपर करो तो। सबका हो गया ना? एक पैसा देना पड़ा है क्या? जरा जो से बोलिए, देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने 100